का किरण नाटक ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कैप का डिजाइन लेकर आए हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और क्रोशिया से बनाए हैं। देखिए देखिए फ्रेंड, तो बनाना शुरू करते हैं। ब्लैक कलर का ऊन लिया है और 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। पांच चेन डालेंगे इसमें, 1 2 3 4 5। देखिए फर्स्ट चेन में हम डाल के इसको सर्कल में बंद करेंगे। तीन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। सोलह डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें सर्कल में। देखिए इसी तरह हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो सर्कल पूरा करके फिर बताती हूँ। देखिए हमारा हो गया है पूरा। अब देखिए 1 2 यहाँ 3 चैन डाले थे, तो 1 2 3 में यहाँ चैन में हम डाल के और बंद करेंगे। तीन चैन लेंगे। अब हर चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब एक ही चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए देखिए इसी तरह दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चैन में हम राउंड पूरा करेंगे। देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा। देखिए हम फर्स्ट चैन दिए थे, ये चैन से एक हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा, तो हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, क्योंकि पहले जो तीन चैन लिए थे उसमें हमारा एक बन रखा है। अब देखिए यहाँ हम चैन लिए थे तीन, तो तीसरा चैन में क्रोशिया का डाल के और इसको बंद कर देंगे। अब देखिए ये वाला डिजाइन हमें बनाना है, तो हम बना कर बताते हैं। तीन चैन लेंगे यहाँ,
हम पहले डबल क्रोशिया बना रखे हैं तो उसको देखिए, क्रोशिया को हम नीचे लिया और फिर हम ऊपर से निकाला डबल क्रोशिया के अंदर से, डबल क्रोशिया के ऊपर से, देखिए ठीक से देखिए, और उसी के अंदर से निकालेंगे। डबल क्रोशिया के नीचे करा, फिर इसको देखिए डबल क्रोशिया से अंदर से निकालें उनको, और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर से। इसी तरह फिर से हम डबल क्रोशिया के अंदर से किया, और फिर हम डबल क्रोशिया को ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ से निकालेंगे, इसी तरह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, सिंपल डबल क्रोशिया में बनाना है। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए हम नीचे को क्रोशिया के डालेंगे, ये हम डबल क्रोशिया बनाए एक, और फिर से हम नीचे से क्रोशिया का डालेंगे और दूसरे साइड से निकालेंगे जो हम पहले राउंड में बना रखे थे डबल क्रोशिया, उसको ऊपर करके, और फिर से हम इसी तरह बनाएंगे। देखिए दो बनाने हैं इसी तरह। अब इसी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी चैन में डालेंगे, देखिए फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब फिर से हम डिजाइन बनाएंगे डबल क्रोशिया का। देखिए नीचे से हम क्रोशिया को डालें और फिर इधर से निकाला और उनको क्रोशिया में लिया, देखिए, और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नीचे को उसी चैन में लेंगे, हमें दो डिजाइन बनानी है और दो डबल क्रोशिया बनानी है। तो राउंड पूरा करके फिर बताते हैं आपको। देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा, देखिए डबल क्रोशिया लेके, और जहाँ तीन चैन लिए हैं फर्स्ट में, तो हम तीसरा चैन में डाल के बंद करेंगे। तीन चैन लेंगे और फिर से हम देखिए, देखिए हम डबल क्रोशिया को ऊपर रखेंगे और फिर से हम बनाएंगे एक और, देखिए हम डबल क्रोशिया को ऊपर रखेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी चैन में, देखिए इसके साथ वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, हम डबल क्रोशिया बनाए। देखिए फिर हम नीचे क्रोशिया लिए और जो पहले हमने डबल क्रोशिया बना रखे थे उसी में हम डिजाइन में ऊपर से लेंगे, फिर से एक बनाएंगे, देखिए नीचे किया फिर अंदर से निकाले, देखिए अब इसी चैन में
हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम उसके साथ वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से हम उसी चैन में लेके देखिए और एक बनाएंगे, फिर से देखिए बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, ऊपर से लेंगे क्रोशिया के नीचे से लिया, और जो पहले डबल क्रोशिया बना रखे थे हम उसको ऊपर रखेंगे, देखिए फिर से हम डबल क्रोशिया इसी चैन में बनाएंगे, देखिए इसी तरह बनता जाएगा पूरा डिजाइन। देखिए पहले हम डबल क्रोशिया दो बनाए थे, अब तीन बना रहे हैं, तो राउंड पूरा करके बताते हैं। देखिए हमारा पूरा हो गया राउंड, अब जब हम तीन चैन लिए हैं पहले, तो हम तीसरा में चैन में डाल के इसको बंद करेंगे, फिर से हम तीन चैन लेंगे, इसी तरह हम फिर से ऊपर रखेंगे डबल क्रोशिया को और डिजाइन बनाएंगे, देखिए फिर से हम रखेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, अब सिंपल डबल क्रोशिया बनेगा, इसी चैन में हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके साथ वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे सिंपल, दो बन गए, देखिए बन गए हमारे, फिर से हम डिजाइन बनाएंगे, देखिए डबल क्रोशिया को ऊपर रखा, नीचे किया क्रोशे को और फिर से ऊपर से निकाल लिया, फिर से हम इसी चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे जिसमें हम डिजाइन बनाए थे, उसी चैन में लेंगे एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, दो ये तीन हमारा हो गया, तीन डबल क्रोशिया, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फिर से हम क्रोशिया को नीचे रखें और उसको डिजाइन बनाएंगे, दो डिजाइन बनेगा यहाँ पर, देखिए इसी तरह बनेगा, तो राउंड पूरा करके फिर बताते हैं, राउंड पूरा हो गया है, तीन चैन लेंगे, से
हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए क्रोशे को नीचे रखा, उसके ऊपर से हम निकालेंगे। देखिए क्रोशे के नीचे रखा, फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर से निकालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए पहले हम चार डबल क्रोशे बनाया था, अब हमारा पांच डबल क्रोशे बनेगा। इसी चैन में हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, अब हमारा डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। पहले हम दो बनाए थे, फिर तीन बनाएंगे, फिर चार बनाएंगे, अब हमारा पांच हो जा रहा है। इसी तरह आप जितना बड़ा रख सकते हैं। देखिए देखिए क्रोशिया का हम नीचे किए, इसके ऊपर से निकालेंगे। और डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए क्रोशे का हम नीचे रखा, फिर से हम इसी चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये हमारा डिजाइन जा रहा है। राउंड पूरा करके फिर बताते हैं। अब हमारा इसी तरह आप जितना बड़ा रख सकते हैं। देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा। एक हमारा चैन हो गया, हम यहाँ बनाए हैं चार डबल क्रोशे बनाए और एक चैन का, पांच हमारा हो गया। तीन चैन लेंगे, देखें ये ऐसे बनेगा। हम इस डिजाइन बनाए हैं, देखिए जैसे हमारा ये इसी तरह हमारा जा रहा है, बढ़ता जाएगा वो डबल क्रोशिया। हर राउंड में एक बढ़ता जाएगा। तो उसी तरह हम ये राउंड पूरा करके फिर बताएंगे। तीन चैन लेंगे, क्रोशे को नीचे रखा और नीचे से ही निकालेंगे दूसरी चैन से। फिर से हमने क्रोशे को नीचे रखा, दूसरी चैन में निकालेंगे। इसी चैन में फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर
फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, दो डबल क्रोशे हो गया हमारे, ये तीसरा डबल क्रोशे। चौथा डबल क्रोशिया, ये पांचवा डबल क्रोशिया, और ये छह डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब इसी तरह हम पूरा छह डबल क्रोशिया हो गया, फिर अगले राउंड में हम सात डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद आठ डबल क्रोशिया होगा। इसी तरह हर डबल क्रोशिया में बढ़ता जाएगा, हर राउंड में डबल क्रोशिया बढ़ेगा। देखिए क्रोशिया के नीचे किया, फिर हम दूसरी चैन से निकाल देंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से हम निकालें, राउंड पूरा करके फिर बताते हैं। देखिए ये हमारा हो गया है, तैयार हो गया है ये डिजाइन हमारा, 10 डिजाइन बना है देखिए, और हमने 9 डबल क्रोशे बनाए हैं। अगर इंचे से नापेंगे तो देखिए देखिए हमारा 7 इंच है, देखिए। अब हमें डिजाइन बनाना है इसका, देखिए फ्रेंड ये तो हो गया है। अब हम इसमें 14 चैन डालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्यारह, ग्यारह बारह, तेरह, चौदह, देखिए 14 फंदे डाले। अब देखिए यहाँ पे हम 3 फंदा छोड़ देंगे, 1 2, और ये तीसरा में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरा में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 फंदा छोड़ के और तीसरा में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक हमारा चैन वाला जो 2 चैन है वो हो गया, और एक डबल क्रोशिया बनाए यहाँ 2 हो गया, अब एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम आगे चैन में। देखिए ये हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारे ये वाला हो गया और 2 डबल क्रोशे यहाँ बनाए 2 चैन में, तो हमारा ये 3 डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम 13 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा 13 डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैन में जो हमारा फर्स्ट चैन है देखिए, उसके नीचे जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके अंदर को क्रोशिया करके, और हम देखिए ये है ये वाला चैन और इस चैन, दोनों चैन को लेके हम इसमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे, देखिए ठीक है, ये सिंगल क्रोशे से बंद कर दिए हैं, देखिए। अब हम यहाँ इस यहाँ हम डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए अब हम ये 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक हमारा हुआ,
अब दूसरी चेन में ये हमारा दो डबल क्रोशिया, देखिए ये तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, ये पांच डबल क्रोशिया, देखिए ये छह डबल क्रोशिया, ठीक है, ये हमारा छह डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ फिर से हम 13 चैन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब फिर से हम ये उसी जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी चैन में हम लेंगे और इसको बंद करेंगे, सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया से हमने बंद कर दिया, देखिए अब जैसे हमने पहले है से तीन चैन बना, तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, अब फिर से हम आगे चैन में अगला चैन में यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया, फिर से ये हमारा लास्ट चैन है तो ये तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए पहले हम इसमें पूरा बंद नहीं करेंगे डबल क्रोशिया को, अब एक चैन छोड़कर ये हम दूसरा चैन में लेंगे जो हम पहले बना रखे थे उसमें, देखिए एक चैन छोड़ के और तीनों ये हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया हमारा बन गया। अब हम दो चैन लेंगे, देखिए दो चैन लेके और एक छोड़ के एक चैन छोड़ के और फिर हम सिंगल डबल क्रोशिया से बंद कर देंगे, ये हमारा हो गया। अब उल्टा हम बनाएंगे सीधे तरफ से, देखिए एक तो हमारा दो चैन लिया था उससे बन गया और हम यहाँ अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन में अलग अलग चैन है, देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया और ये देखिए, देखिए एक हमारा ये वाला बन गया डबल क्रोशिया जो दो चैन लिए थे और एक हमारा अब दो और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बना ये दो हो गया हमारा कंप्लीट, अब ये तीन डबल क्रोशिया, देखिए ये हमारा तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 24 डबल क्रोशिया बनाना है, ये हमारा 12 कंप्लीट हो गया है। अब 12 डबल क्रोशिया इस साइड बनाएंगे,
सारे मिला के हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा अब देखिए इसको मैं ही छोड़ देंगे। और जो हम फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाना शुरू किए थे हम उस वाली चैन में लेके, देखिए उस वाली चैन में हम लेके जो फर्स्ट में है डबल क्रोशिया का चैन उससे लेके और हम उससे निकालेंगे। देखिए अब उससे हम निकाल देंगे, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, इसी तरह हर चैन में यहाँ 6 चैन होगा तो 6 में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे चैन में। देखिए ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हुआ। अब फिर से हम इसमें 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे इसमें मैंने इसी तरह पूरी राउंड में बनाएंगे। ये हमारा हो गया है 24 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम फर्स्ट वाले चैन में क्रोशिया का डालेंगे। देखिए बिल्कुल जहाँ से हम फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ से हम डालेंगे उसी चैन में और क्रोशिया से खींच लेंगे। अब यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन वाले में जो हम 3 चैन लेते हैं उसमें बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम सीधे तरफ आएंगे। अब यहाँ हम 3 चैन लेंगे। देखिए 3 चैन लिए और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब देखिए एक हमारा चैन 3 चैन लिए थे उसका हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया हुआ तो 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। और फिर से हम यहाँ 13 चैन लेंगे क्योंकि फिर एक डिजाइन हमारा पूरा हो गया। अब ये नया तरह से शुरू किए फिर से। अब यहाँ 13 चैन हम लेंगे।
अब जो हम फर्स्ट में बनाए थे जहाँ डबल क्रोशिया, उसी चैन में लेके और इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए जैसे हम पहले बना रखे हैं, छह डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा छह डबल क्रोशिया हो गया है। देखिए चैन लेंगे हम यहाँ 13 चैन जैसे हम पहले लिए, हो गया। अब जिसमें हम डबल क्रोशिया बनाए थे उसी चैन में हम इसको लेके और सिंगल क्रोशिया से इसको बंद करेंगे। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम एक चैन छोड़कर और दूसरी चैन में धागे से लेंगे निकालेंगे और ये एक साथ हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। अब दो चैन लेंगे, फिर से हम देखिए फिर से हम एक चैन छोड़ के और उसके अगले वाले चैन में लेंगे और इसके सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर हम इससे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन में, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनेगा, एक तो हमारे चैन से बना और फिर हम दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए जैसे हम पहले बनाए थे इसमें 24 डबल क्रोशिया, उसी तरह हम फिर से बनाएंगे 24 डबल क्रोशिया, ठीक है।
देखिए अब ये हमारा हो गया 24 डबल क्रोशिया। अब फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन लेंगे, उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और उधर से ही इस वाली चैन को अंदर से निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ हम 6 डबल क्रोशिया बनाना है हमें, जैसे हम पहले बना रखे हैं 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया पूरा हो गया है। अब देखिए जैसे हम पहले बनाए थे डिजाइन, तो राउंड पूरा करके फिर बताते हैं। ये हमारा राउंड पूरा हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाली चैन में लेंगे, क्रोशिया को डालेंगे फर्स्ट वाली चैन में, जहाँ से हमने शुरू किया था डबल क्रोशिया, 24 डबल क्रोशिया बनाने का, उसी चैन में लेके इस वाले फंदे को लेंगे और अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। देखिए ये हमारा इसी तरह बनेगा, तो राउंड पूरा करके फिर बताती हूँ। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये पूरा राउंड हो गया, तो हम इसे हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए हम मिला के सारे चैन को रखेंगे। देखिए अब क्रोशे से ही बंद करेंगे। देखिए चाहे तो सुई से भी बंद कर सकते हैं, पर मैं क्रोशिया से बंद कर रही हूँ। एक चैन इधर से लेंगे और एक चैन इधर से लेंगे। देखिए ठीक है, उल्टा साइड से हम बंद करेंगे। एक चैन लिया इधर से, एक चैन हम इधर से लेंगे। ठीक है, अब एक साथ इसे बंद करेंगे, फिर इसको भी हम सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। देखिए एक चैन इधर से लेंगे और एक चैन उधर से लेंगे, दोनों साइड से एक एक चैन लेते हुए और सिंगल क्रोशे से हम बंद करते जाएंगे। हम इसी तरह बंद करेंगे, एक चैन उधर से लेंगे और एक चैन इधर से लेंगे। देखिए अब दोनों को सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे।
देखिए जरा भी पता नहीं चल रहा है। देखिए ये हमने ज्वाइंट कर दिया है। देखिए अब कट कर देंगे हम उनको, ये हम कट कर दिए हैं, ये हमारा ज्वाइंट हो गया। देखिए ये ज्वाइंट कर दिए हैं। देखिए अब हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसे इसमें हम बॉर्डर बना रखे हैं इसी तरह हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बना के बताते हैं। देखिए जो हमने पहले डबल क्रोशिया के साथ चैन बनाए थे, 3 चैन लेके, उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। फिर हम आगे वाला में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह फिर उसके आगे हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे वाले चैन में हम हर एक चैन में एक क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन में दो डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी इसमें हम दो बनाए, ऐसे हम एक बनाएंगे, इसके आगे हम दो बनाएंगे। देखिए फिर हम इसमें दो बनाएंगे, एक बनाया अब हम दो बनाएंगे, इसी तरह हम एक में दो बनाएंगे और एक में एक बनाएंगे, ऐसे आगे करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे सिम जाएंगे तो राउंड पूरा करके फिर बताते हैं। देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा। अब देखिए इसमें हम इसी चैन में इसको हम बंद करेंगे। ये हमने बंद कर दिया सिंगल क्रोशे से। अब देखिए 3 चैन लेंगे, तीन चैन लिए। अब देखिए इस चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, हम हर चैन में
डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम इस चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह पूरी राउंड हर चेन में डबल क्रोशे हम बनाएंगे। हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, हर चेन में डबल क्रोशे बनाए हैं। देखिए अब इसी तरह पूरी राउंड बनेगी, तो हम राउंड पूरा करके फिर बताते हैं। देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा। देखिए जहाँ हम तीन चेन लिए थे उसमें हम तीसरा चेन में बंद कर देंगे। अब तीन चेन लेंगे, जैसे इसमें हम बॉर्डर बना रखे हैं, अब हमें ये बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, अब हम इसमें नीचे के ओर डालेंगे। देखिए क्रोशे को नीचे किया और इसे इधर से निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए नीचे से लिया और ये हम डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अब फिर से हम बनाएंगे, अब हम दूसरी जो डबल क्रोशे बनाए हैं उसको हम नीचे रखेंगे, क्रोशे के नीचे की ओर रखेंगे, और देखिए इसको हम डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको नीचे की ओर रखते हुए, ठीक है। ये देखिए अब फिर से हम बता रहे हैं, फिर देखिए इस वाले चैन को डबल क्रोशे को हम ऊपर रखा और ये डबल क्रोशे बनाया, ठीक है। देखिए इस वाली चेन को हम नीचे से लिया और इसे क्रोशे के नीचे रखा, अब इसको हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से हम बता रहे हैं। देखिए क्रोशे के नीचे किया और डबल क्रोशे के ऊपर रखा, क्रोशे के ऊपर, और इसे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से हम क्रोशे को नीचे से लिया, देखिए देखिए इसको इस साइड से लेनी है, देखिए इधर से ना लेके हम इस साइड से लेंगे, क्रोशे का उल्टा लेके नीचे की ओर से, और ऊपर किया और इसको डबल क्रोशे को नीचे रखेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया। देखिए एक बार हम उधर को लेंगे और एक बार इधर को, इसी तरह हम करके राउंड पूरा करेंगे। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया है। अब इसको हम बंद करेंगे। देखिए अब उभर रहा है, तो जिसमें अब तो पता चल रहा है डिजाइन, तो एक बार इधर को उभर रहा है और एक बार
नीचे की साइड उभर रहा है, एक बार ऊपर से, देखिए, ठीक है। तो जिसमें हमें तीन चैन लेंगे, देखिए, अब हम एक बार क्रोशिया को ऊपर रखेंगे डबल क्रोशिया को, और एक बार नीचे को रखेंगे, देखिए, एक बार ऊपर को रखा, अब देखिए नीचे से क्रोशिया लाए और डबल क्रोशिया के ऊपर रखा है क्रोशिया के ऊपर, तो ये नीचे से रहेगा। अब इसी तरह फिर से हम ऊपर से बना रहे हैं, देखिए ये ऊपर से बनाया डबल क्रोशिया और ये हम नीचे से बनाएंगे डबल क्रोशिया, देखिए ये देखिए जो हम डबल क्रोशिया बना रखे हैं उसमें हम बनाएंगे, देखिए एक बार नीचे से लिए, देखिए इसमें लेंगे, देखिए इसी तरह हम बनाते जाएंगे, देखिए देखिए, अब आपको उभरा उभरा दिख रहा होगा डिजाइन, देखिए इधर उभर रहा है, उभर के आ रही है ये बॉर्डर, देखिए ये देखिए, ठीक है। अब देखिए जिस तरह जितना बड़ा हम इसमें बनाए हैं उसी तरह हमें इसमें भी बनाना है, देखिए छः बार हम इसमें बनाए हैं, देखिए इसमें हम छः बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, आप जितना लंबा रख सकते हैं उतना लंबा रखिए। तो हम छः इसको पूरा करके फिर हम बताते हैं, देखिए ये हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम इस वाले चैन में जो फर्स्ट में हम लेते हैं थ्री चैन, इसमें लेके हम बंद कर देंगे, देखिए हम बंद कर देंगे, देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया है, अब इसे हम बंद करेंगे, ये हमारा पूरा हो गया है, देखिए हम इसमें बनाए हैं, देखिए यहाँ से हम बनाए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 बनाए हैं हम यहाँ से, ठीक है 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। आपको जितना इच्छा हो आप अपनी इच्छा के अनुसार बनाएं, क्योंकि हम उनको कट कर देंगे, अब इसको उनको हम नीचे से खींच लेंगे ताकि हमें दिखेगा नहीं,
देखिए ये हमारा हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम इसमें डिजाइन जो बनाए हैं चोटी का, तो हम इसको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए जहाँ से हम ज्वाइंट किए थे हम वहीं से बनाएंगे। देखिए ऐसे पता नहीं चलता है, तो देखिए ये हमें एक लिए, देखिए एक लिए और इसमें हम इसके नीचे से निकालेंगे। देखिए फिर हम दूसरा लिए, फिर इसको नीचे से निकालेंगे। हर लीफ को इसी तरह हम निकालते जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से हम लिए और फिर इसके नीचे से हम निकालेंगे। देखिए इसी तरह हम दूसरी लीफ को लेंगे और फिर हम उसके नीचे से निकालेंगे। देखिए अब दूसरे को हम नीचे से निकालेंगे और इसी तरह हर लीफ को हम बनाएंगे। देखिए फिर इसको नीचे से इसके अंदर से निकाल के, देखिए देखिए दूसरे लीफ को इसी तरह हम बनाएंगे सारे। देखिए सारे कंप्लीट करके फिर बताते हैं। देखिए ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए बहुत प्यारा लगता है। देखिए अब ये हमारा जो बच गया है उसको हम बता रहे हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इससे ज्वाइंट करके रखेंगे जो हम पहले बनाए हैं। और देखिए अभी हमारे पास इतना ही छोटा बटन है, तो हम इसे क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो रहा है तो ला नहीं पाएंगे, तो हम इसी को लगाएंगे। इसी के साथ इसको हम सिलाई कर देंगे, इसके साथ बटन को लगा के। देखिए बटन छोटा होने के वजह से ये बैठ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बड़ा बटन ही अच्छा लगेगा। तो हम आपको बताने के लिए इसमें हम लगा के दिखा रहे हैं ये हम कैसे लगाए हैं।
देखिए ये बटन लग गया है। दोस्तों अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए अब इसमें भी इसी तरह लगेगा बटन। देखिए ये लगा दिए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है।